हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द टेंथ लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कैश मैनेजमेंट तो जल्दी से चलिए देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि कैश मैनेजमेंट क्या होता है फिर कैश मैनेजमेंट साइकिल क्या है फोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कैश मैनेजमेंट ये हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आपको बताऊंगी वट इज द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैश क्यों होल्ड करती है उसका मोटिव क्या है तो तीन इंपॉर्टेंट मोटिव होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में और ये जो टॉपिक है ना कैश मैनेजमेंट ये वैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है अगर आप फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करते हैं चाहे ग्रेजुएशन में चाहे मास्टर्स में अगर आप फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो उसमें आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक सेपरेट पेपर पढ़ेंगे और वहां पर कैश मैनेजमेंट का एक बहुत डिटेल में एक यूनिट होता है और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि ये जो कैश मैनेजमेंट का एक पूरा टॉपिक है आपको डिटेल में पढ़ा पाऊं चार से पांच लेक्चर में हम ये पूरा टॉपिक जो कैश मैनेजमेंट का है ये कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कैश मैनेजमेंट तो कैश मैनेजमेंट समझने के लिए सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए कैश प्लस मैनेजमेंट तो कैश हम जानते हैं कैश क्या होता है कैश इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट करेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट क्या है समझना है मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है सारे फाइनेंशियल टर्म्स पे तो आप वो रेफर कर सकते हैं तो वहां डिटेल में आपको बताया है मैंने तो कैश क्या है वेरी इंपॉर्टेंट करेंट एसेट हम जानते हैं और मैनेजर मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या है? तो तो आपने क्लास ही बी ही टी के पेपर में पढ़ लिया था। मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या है? ऑल अबाउट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग यही है मैनेजमेंट तो कैश मैनेजमेंट मतलब कैश की प्लानिंग करना कैश को ऑर्गेनाइज करना कंट्रोल करना ठीक है ये सारी चीजें हम करते हैं कैश मैनेजमेंट में राइट दिस इज कैश मैनेजमेंट में एंड कैश मैनेजमेंट बेसिकली कंसर्न हैश मैनेजमेंट में हम क्या मैनेज करते हैं कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फर्म यानी फर्म में कैश कितना इन हो रहा है ठीक है फर्म में कैश कितना आ रहा है एंड आउटफ्लो ऑफ कैश कितना है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं देखिए इनफ्लो कैसे आएगा जब फर्म के जो प्रोडक्ट हैं वो सेल होंगे ठीक है सर्विसेज रेंडर की जाएंगी तो कैश आएगा और कैश जाएगा कब जब वेजेस सैलरी इन्वेंट्रीज ये सब खरीदी जाएंगी बिल पे किए जाएंगे टैक्स डिविडेंड ये सब पे किया जाएगा तो कैश जाएगा तो इसका एक प्रॉपर मेंटेन करना इसको मैनेज करना इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ये हम कैश मैनेजमेंट में करते हैं ठीक है दूसरा क्या है कैश फ्लो विद इन द फर्म यानी फर्म के अंदर कैश का क्या फ्लो है ठीक है उसको भी मैनेज किया जाता है कैश मैनेजमेंट में और तीसरा क्या है कैश बैलेंस हेल्ड बाय द फर्म एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्म को कितना कैश बैलेंस होल्ड करना चाहिए ठीक है अगर डिफिसिट है तो उसे फाइनेंस करें अगर सरप्लस है तो उसे इन्वेस्ट करें अगर कैश एक्सेस में है तो उसे इन्वेस्ट किया जाए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाए और अगर कमी है तो उसको फाइनेंस किया जाए बोरो वगैरह किया जाए तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना कैश बैलेंस होना चाहिए ये भी कैश मैनेजमेंट में पढ़ते हैं तो कैश मैनेजमेंट में बेसिकली ये तीनों चीजें मैनेज की जाती है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश कैश फ्लो विद इन द फर्म एंड कैश बैलेंस हेल्ड बाई द फर्म विद इन मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें कैश मैनेजमेंट में कंसीडर की जाती है इन्हें मैनेज किया जाता है ठीक है और इसे अभी मैं दिखाऊंगी आपको हम कैश मैनेजमेंट साइकिल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं ये कैश मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है अभी मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगी तो हमें समझ में आ गया कि कैश क्या है दिस इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एसेट अगर जितने भी करंट एसेट्स हैं करंट एसेट में क्या क्या आता है करंट एसेट में आता है आपका कैश आता है डेटर्स आते हैं इन्वेंट्री आता है बिल रिसीवेबल आता है ये सब क्या आता है करंट एसेट में आता है ठीक है इसमें से कैश इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैश जो है इन सारे करंट एसेट की अगर मैं बात करूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कैश क्यों इंपॉर्टेंट है आप बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है कैश कैश डेटर के कंपेयर में इन्वेंट्री के कंपेयर में बिल रिसीवेबल के कंपेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैश है क्यों क्योंकि देखिए कैश ही है जिससे फर्म अपने ऑब्लिगेशन को मीट कर सकता है फर्म की अगर कुछ ऑब्लिगेशन है फर्म को कुछ पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को ठीक है कहीं पे कुछ पेमेंट वगैरह करना है तो फर्म कैश के थ्रू ही पेमेंट कर सकती है ठीक है तो इसलिए कैश इज रिक्वायर्ड टू पे द फर्म्स ऑब्लिगेशन फर्म के ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए कैश ही जरूरी होता है तो इसलिए कैश को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है ठीक है और कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कैश मैनेजमेंट साइकिल तो कैश मैनेजमेंट में हम करते क्या हैं देखिए फॉर्म अपने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करती है इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करती है ठीक है ऑपरेशन परफॉर्म करती है तो उससे क्या होता है या तो कैश का कलेक्शन होगा ठीक है कैश का कलेक्शन भी होगा कैश का पेमेंट भी होगा कैश का पेमेंट कहाँ पे किया जाएगा वेजेस पे की जाएंगी सैलरी पे की जाएगी कुछ इन्वेंट्री कुछ परचेजिंग की जाएगी ठीक है इन्वेंट्री वगैरह परचेज की जाएगी टैक्स वगैरह पे किए जाएंगे डिविडेंड वगैरह दिया जाएगा तो ये सब क्या है कैश पेमेंट खर्चे फिर कैश कलेक्शन भी होगा पैसा आएगा भी कहां से पैसा आएगा सेल्स प्रोडक्ट बनेगा बिकेगा तो सेल्स होगा तो कैश कलेक्शन होगा तो कैश का पेमेंट भी होगा कैश का कलेक्शन भी होगा तो कुछ नेट में कैश ऑर्गेनाइजेशन में आएगा ठीक है अब ये कैश डिफिसिट भी हो सकता है सरप्लस भी हो सकता है यानी कैश की कमी भी हो सकती है और कैश क्या हो सकता है एक्सेस में भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है अगर कैश की कमी है देन वी आर रिक्वायर्ड टू बोरो द कैश हमें अगर कैश की कमी है तो फर्म को कैश बाहर से बोरो करना पड़ेगा और अगर कैश अगर एक्सेस में है तो क्या करना पड़ेगा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो ये जो पूरी साइकिल है ना कैश मैनेजमेंट की इसी को कहा जाता है कैश मैनेजमेंट साइकिल राइट right? और कैश मैनेजमेंट का पर्पज क्या है कैश मैनेजमेंट का पर्पज है कि ये जो साइकिल है पूरी जो कैश मैनेजमेंट की साइकिल है इसको अकम्पलिश करे एट मिनिमम कॉस्ट कम से कम खर्चे में ये सारे काम पूरे होने चाहिए ठीक है प्लस इसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी प्लस कंट्रोल मेंटेन रहे लिक्विडिटी मतलब लिक्विड फॉर्म में भी कैश होना चाहिए प्लस कैश कंट्रोल में होना चाहिए ठीक है बहुत एक्सेस नहीं होना चाहिए बहुत कम नहीं होना चाहिए एक प्रॉपर बैलेंस कैश का मेंटेन रहना चाहिए तो ये सारे ही काम होते हैं कैश मैनेजमेंट साइकिल में तो कैश मैनेजमेंट साइकिल अगर पूछा जाए तो ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे ठीक है एक्सप्लेन तो करना ही है बट ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे इवन कैश मैनेजमेंट के बारे में भी पूछा जाए तो कैश मैनेजमेंट साइकिल भी आप ये डायग्राम जरूर बनाइएगा क्योंकि इससे सारी चीजें एक्सप्लेन हो जा रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताती हूँ फोर एस्पेक्ट या कह लीजिए फोर फेसेट ऑफ कैश मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट के चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं ठीक है सबसे पहला क्या है कैश प्लानिंग कैश के रिगार्डिंग प्लानिंग करना ठीक है कि कितना कैश इनफ्लो होगा कितना कैश आउटफ्लो होगा दिस शुड बी प्लान वो ऑलरेडी प्लान होना चाहिए फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में कितना कैश इनफ्लो होगा कितना कैश आउटफ्लो होगा ठीक है प्रोजेक्टेड फिगर क्या होंगे एस्टिमेटेड फिगर क्या होंगे ये पहले से प्लानिंग इसके रिगार्डिंग होनी चाहिए क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आगे चल के कैश हमारे पास सरप्लस में होगा कि कैश की डिफिशियंसी होगी ठीक है कैश सरप्लस में होगा कि डिफिशियंसी होगी ये हमें एडवांस में पता चल पाएगा अगर हम कैश की प्लानिंग करेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए और इसके कैश प्लानिंग के लिए क्या किया जाता है कैश प्लानिंग के लिए बताइए क्या किया जाता है कैश प्लानिंग के लिए वी मेक कैश कैश बजट बजट इसीलिए में बनाए जाते हैं ताकि आगे फ्यूचर में कैश का इनफ्लो कितना होगा आउटफ्लो कितना होगा इसको एस्टिमेट किया जा सके देखा जा सके कि आगे कैश uh, की कमी तो नहीं होगी सरप्लस में तो नहीं होगा तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी कैश बजट बना के तो ये सारे काम किए जाते हैं में. तो ये है का. दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कितना कैश ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है कितना आउट हो रहा है कितना इन हो रहा है इसको प्रॉपरली मैनेज करना ठीक है और फॉर्म की कोशिश होती है कि जो कैश इन हो रहा है जो कैश का इनफ्लो हो रहा है दिस शुड बी शुड शुड बी बी ज्यादा से ज्यादा इनफ्लो हो कोशिश होती है ना कि ज्यादा से ज्यादा कैश ऑर्गेनाइजेशन में आए और जो आउटफ्लो हो वो क्या हो कम से कम हो आउटफ्लो आउट शुड बी जो इनफ्लो हो वो एसिलेटेड हो और आउटफ्लो क्या हो डिसटेड हो कम से कम कैश ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाए और ज्यादा से ज्यादा कैश ऑर्गेनाइजेशन में आए तो बेसिकली प्रॉपरली मैनेज करना कैश फ्लो को ये हम करते हैं कैश मैनेजमेंट में ये दूसरा एस्पेक्ट हुआ तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या है ऑप्टिमम कैश लेवल ऑप्टिमम कैश लेवल मतलब एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैश बैलेंस मेंटेन करना फर्म में देखिए कैश एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए कई बार बता चुकी हूँ ये पॉइंट मैंने कि कैश एक्सेस में भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए ठीक है प्लस कैश की डिफिशंसी भी नहीं होनी चाहिए कमी भी नहीं होनी चाहिए अगर फर्म में कैश अगर एक्सेस में है तो क्या होगा प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी ठीक है और अगर कैश की डिफिशंसी हो गई कमी हो गई तो फर्म जो भी अपने है, उनको मीट नहीं कर पाएगी सैलरी वगैरह देनी होती है वेजेस देनी होती है करनी होती है ठीक है और भी बहुत सारे ऑब्लिगेशन है उनको मीट नहीं कर पाएगी तो देर शुड बी एन ऑप्टिम लेवल एक अप्रोप्रिएट लेवल होना चाहिए कैश का ऑर्गेनाइजेशन में तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इन्वेस्टिंग द सरप्लस कैश ठीक है अगर ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस कैश है तो उसको क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो भी हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस एक्सेस कैश को क्या करें इन्वेस्ट करें कहां कहां पे बहुत सारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है कुछ बॉन्ड्स होते हैं ट्रेजरेबल होते हैं तो कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस एक्सेस कैश को इन्वेस्ट किया जा सकता है ठीक है तो ये कैश मैनेजमेंट में ये चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं राइट right. चलिए समझ में आ गए चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अच्छा दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैम आप ये सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है तो इसीलिए मैंने सोचा और हर दिन मेरे साथ काफी नए स्टूडेंट भी एड हो रहे हैं तो इसीलिए ये है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे आज की तारीख यानी जनवरी दो तक अपलोड कर चुकी हूँ अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं या अगले साल देख रहे हैं

ठीक है और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए राइट तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश कैश को होल्ड करने का मोटिव क्या है तो तीन इंपॉर्टेंट मोटिव है पहला मोटिव क्या है ट्रांजेक्शन मोटिव ट्रांजेक्शन मोटिव मतलब क्या होता है ट्रांजेक्शन पर्प से ट्रांजेक्शन मतलब ट्रेड के पर्पज से लेन देन के पर्पज से व्यापार करने के पर्पज से ठीक है बिजनेस कंडक्ट करने के पर्पज से ठीक है दिस इज द मेन पर्पज ऑफ होल्डिंग कैश कैश क्यों चाहिए किसी बिजनेस में ताकि आप बिजनेस के जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म कर सके ठीक है थीके? आपको बहुत सारी आपका अगर बिजनेस है तो आपको बहुत सारी पेमेंट्स करनी होगी ठीक है परचेजिंग करनी होगी रॉ मटेरियल की वेजेस सैलरी पे करनी होगी टैक्स वगैरह का पेमेंट करना होगा डिविडेंड वगैरह देना होगा तो ये सारे खर्चे कैसे मीट होंगे ठीक है ये सब पेमेंट कैसे कर पाएंगे तो ये तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव कैश जब आपके पास कैश होगा तो सबसे पहला जो मोटिव है ऑफ होल्डिंग कैश इज ट्रांजेक्शन मोटिव दूसरा जो मोटिव है कैश को होल्ड करने का इज प्रिकॉशनरी मोटिव प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब अगर कोई कंटीजेंसी आ जाए फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाए कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के पास हमेशा क्या होना चाहिए कुछ बफर में कुछ कैश जरूर होना चाहिए ताकि वो जो इमरजेंसी आ गई जो कंटीजेंसी आ गई उसको फेस कर सके ठीक है तो दूसरा क्या है प्रिकॉशन के पर्पज से सावधानी प्रिकॉशन के पर्पज से कैश होना चाहिए दिस सेकेंड मोटिव तीसरा मोटिव क्या है स्पेकुलेटिव मोटिव स्पेकुलेशन मतलब होता है अनुमान लगाना ठीक है तो आगे चल के सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन के सामने कोई बहुत बढ़िया प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी आई ठीक है बट कैश ही नहीं है कि उसमें इन्वेस्ट कर सके तो कुछ स्पेकुलेशन के पर्पज से कि अगर अचानक में कोई प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी आती है ठीक है तो हम उसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सके ठीक है तो इस पर्पज से भी कैश होना चाहिए जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ अभी जब कोरोना जब से स्टार्ट हुआ जब मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद मार्च में भी और अप्रैल में भी मार्केट हमारा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ बहुत नीचे गया ठीक है तो जिसके पास उस समय एक्सेस में अगर कैश होगा थोड़ा जिसने बफर में कैश रखा होगा वो उस समय इन्वेस्ट कर सकता था ठीक है वही उस समय क्योंकि वो एक बहुत अच्छी प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मार्केट तो वापस फिर से रिकवर होना ही और हो गया मार्केट उसके बाद 2020 के बाद 2021 में पूरा अच्छी तरीके से अब तो 2022 चल रहा है ठीक है अभी थोड़ा सा फिर से अब ओमिक्रॉन का चल रहा है तो थोड़ा सा मार्केट फिर से नीचे जा रहा है लेकिन काफी जिन लोगों ने उस समय मार्च अप्रैल में इन्वेस्टमेंट किया होगा जब मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्योंकि उस समय लॉकडाउन लग गया था तो बहुत बुरी तरीके से मार्केट हर दिन हजार हजार पॉइंट क्रैश होता था मार्केट तो उस समय जिसने इन्वेस्टमेंट किया तो वो मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया तो ये क्या है स्पेकुलेटिव मोटिव आपका बिजनेस है सपोज करिए रॉ मटेरियल के प्राइसेस अचानक में क्रैश कर गए बहुत सस्ते हो गए तो जिसके पास अगर एक्सेस में कैश होगा जिसने अगर कैश रखा होगा एक्सेस में नहीं पर जिसने अपना कैश थोड़ा सा साइड में रखा होगा स्पेकुलेटिव मोटिव के हिसाब से रखा होगा वो उस समय रॉ मटेरियल खरीद पाएगा ठीक है क्योंकि रॉ मटेरियल की तो जरूरत आगे पड़ेगी आपके बिजनेस में तो रॉ मटेरियल खरीद पाएगा तो वही है अगर कोई अचानक में प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी आए तो उसका फायदा उठाने के लिए भी हमारे पास कैश होना चाहिए तो दीज आर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑफ होल्डिंग कैश कैश ये ये होल्ड करने के ये तीन मोटिव पहला क्या है ट्रांजेक्शन मोटिव दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव ठीक चलिए तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर ये आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक था अब अगले लेक्चर में मैं ये सारे टॉपिक पढ़ाऊंगी कैश प्लानिंग पढ़ेंगे कैश बजेटिंग फोरकास्टिंग ठीक है वो सब पढ़ेंगे ऑप्टिमम कैश लेवल पढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे बॉमल मॉडल ठीक है बॉमल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर सर्टेनिटी एंड अंडर अनसर्टेनिटी दोनों केसेस में पता करते हैं हम तो सर्टेनिटी के केस में हम बॉमल मॉडल यूज करते हैं और अनसर्टेनिटी के केस में हम मिलर और मॉडल यूज करते हैं जो मैं ट्वेल्थ लेक्चर में पढ़ाऊंगी पर फिलहाल अगले लेक्चर में ये सारे पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो फिर चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ और अगर आज का लेक्चर समझ में आया आपको तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा ठीक है हमें मोटिवेशन मिलता है बाकी और कुछ नहीं है लाइक करने से बस हमें मोटिवेशन मिलता है हमें लगता है कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हर दिन आपने नोटिस किया होगा पिछले डेढ़ महीने से पिछले डेढ़ महीने से कंटिन्यूअसली मैं हर दिन दो वीडियो अपलोड कर रही हूँ एक मॉर्निंग में मेरा दस बजे आता है दस या नौ बजे और एक शाम को मैं अपलोड करती हूँ पांच या छह बजे के आसपास तो हर दिन हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा लगता है जब आप लोगों की तरफ से फीडबैक आता है और आप लोग सही में बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोग का बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिलता है पर मैं चाहती हूँ कि फीडबैक हमेशा मतलब मेंटेन करिए हम लोग को मोटिवेट करते रहा करिए ठीक है हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो अच्छा लगता है ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू